गया में विश्व प्रसिद्ध मोक्ष धाम विष्णुपद मंदिर में सदी के सबसे हृदय विदारक रेल दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों को जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सक्षेत्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू नारायण मर्मज्ञ पंडा आदि ने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। नेताओं ने कहा कि बालासोर की रेल दुर्घटना सदी की सबसे बड़ी हृदय विदारक घटना है। विश्व प्रसिद्ध मोक्ष धाम विष्णुपद मंदिर में बालासार रेल दुर्घटना में 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु के उपरांत उनके आत्मा के शांति के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहां पर पूजा पाठ किए। उनके मोक्ष के लिए यहां पर गैवाल पंडाल सामूहिक रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किए और साथ ही साथ जितने घायल लोग हैं उन्हें जल्द स्वस्थ होने के भी भगवान विष्णु से कामना किए। हे विष्णु भगवान, उन सभी घायल लोगों को जल्द स्वस्थ करें और मृतक के परिजनों को शक्ति प्रदान करें ताकि इस दुख के घड़ी में उन्हें सहन शक्ति मिल सके। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गया में अनूठा नजारा देखने को मिला, जहाँ एक पेड़ का 7वां बर्थडे मनाया गया। हम आपको बता दें कि ये पेड़ गया में बरगद के पेड़ का पिछले 7 सालों से पूरे धूमधाम से बर्थडे मनाया जा रहा है। संतोष कुमार प्रभावती अस्पताल में जन औषधि केंद्र चलाते हैं और अस्पताल परिसर में ही 5 जून 2016 को उन्होंने एक बरगद का पेड़ लगाया था। तब से हर साल 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बरगद का वो बर्थडे मनाते हैं और इस दौरान पूरे वृक्ष को गुब्बारों से सजा दिया जाता है। संतोष कुमार ने शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ मिलकर केक काटा और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। पाँच जून है, पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पे के शुभ अवसर पे हम लोग इस बरगद का पेड़ 7 साल पहले लगा था, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन तो लोग सब लोग मनाता है, पेड़ का हम लोग मना रहे हैं तो अच्छा है। और ये मेरा बेटा है, इसका भी आज जन्मदिन है, तो आज ये 12 साल का हुआ है। ये बोला कि पापा हम 12 साल के हुए तो 12 पेड़ आज हम लगाएंगे। अरे 12 पेड़ आज लगाया है और जन्मदिन मनाना चाहिए। पेड़ तो आप ऑक्सीजन देता है, सब लोग जानता है, और कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन किस तरह से लोगों पे हावी रहा, हम हावी ही बोल रहे हैं, नहीं लोग को मिल पा रहा था, इसके कारण कितना लोग इस दुनिया से चले गए। तो पेड़ ज़्यादा लगना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगना चाहिए। पर्यावरण दिवस है और ये वृक्ष आप देख रहे हैं, बरगद का पेड़। 7 साल पहले मैं बरगद का पेड़ लगाया था और मैं इस बरगद का पेड़ आज 7 साल सातवां जन्मदिन है और मैं 7वां जन्मदिन इस पेड़ का मना रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, लोगों को ये मैसेज पहुँचाना है कि आप भी पेड़ लगाइए और पेड़ लगाने का बहुत फ़ायदा है।